जी मैं एक ट्रेडिशनल उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट में आया हूँ और इनकी बिल्कुल वही पठानों वाली सेटिंग है। देखिए मैं तख्त के ऊपर बैठा हूँ और अभी मैं अपना लंच करने लगा हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने लंच में मंगवाई है वह है पुलाव, जो कि जिसको ये पुलाव कहते हैं वी के साथ। सो ये लैम्ब का पुलाव है और ये देखें ज़रा इसके अंदर जो है इन्होंने कैरेट्स को पीले रंग की कलर किया हुआ है, अगर कैरेट्स को वो डाली हुई है, रेजन भी है इसके अंदर और इसके साथ इसके अंदर ये मटन या लैम्ब भी है। तो चलें ट्राई करके देखते हैं कैसा है। चावल जो है ना थोड़े खड़े रखे हुए, तो गाजर जो है मीठा टेस्ट थोड़ा सा दे रही है, बिल्कुल जैसे काबली पुलाव नहीं होता उसी तरह से। इट्स रियली गुड एक्चुअली। तो गोश्त के साथ ट्राई करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो समरकंद का टूर जारी है। इस वक्त मैं समरकंद के एक बहुत ही पुराने बाज़ार में हूँ। एक तो पीछे आप मेरे पीछे बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, लेकिन हम अब इस बाज़ार में जाएंगे और देखेंगे इस बाज़ार में क्या चीज़ें बिक रही हैं इस वक्त। बाज़ार के अंदर जितने भी स्टॉल्स हैं वो इस तरह के स्टॉल्स हैं। अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बिक रहा है। ये जो हैं कुछ कैंडीज बेच रही हैं। ओके थैंक यू। ट्रेडिशनल कैंडीज फ्रॉम टर्किश स्वीट्स की तरह की है। वेलकम बैक। ओके ओके देखिए ये चीनी ये आलू बुखारा सूखा हुआ आलू बुखारा के बाद ये जी नट्स हैं कवर्ड नट्स। ओके जी यहाँ पे देखते हैं ये हैं जी फिग्स और ये फिग्स के अंदर किशमिश उन्होंने घुसाई हुई है फिग्स के अंदर, और ये आलू बुखारा है जिसके अंदर अखरोट घुसाया हुआ है। ज़बरदस्त बहुत अच्छा लग रहा है। बादाम ये भी फिग्स ही लग रही है, देखिए जरा ब्राउन कलर की फिग्स। दिस इज़ हाउ यू गिव किलो 90,000 किलो ओके एंड दिस फिग 70,000 किलो 70,000 किलो इज़ लगभग ये कोई पाकिस्तान में पाओ में 1800 रुपये किलो जो है। फिग इज़ लोकल हाँ 1800 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा मैं लूँगा आके। दिस इज़ एप आलू बुखारा रिकॉलर एप्रिकॉट्स राइट ड्राई एप्रिकॉट्स। ओके ये जी फिर मिठाई की दुकान आ गई यहाँ पर। जो समरकंद है वो मशहूर है अपनी रेजन्स के लिए। ये देखें कितनी सारी रेजन यहाँ पे पड़ी हुई है। किशमिश के लिए बहुत मशहूर है। ये आपको यहाँ पे किशमिश जो है वो भरमार में मिलेगी। दिस हाउ मच किलो 1,10,000 किलो और दैट्स एक्सपेंसिव एक्चुअली expensive than Dubai. In Dubai, less. How much Dubai? In Dubai, it is 70,000. 70? I buy every day. 80 okay. How much yes. I buy every day. But you are expensive. Ah. What is this? Okay, what is kilo? This? This apricot seed. Apricot seed. Yes, no problem. Very nice. अखरोट थोड़े महंगे दे रहे हैं क्योंकि दुबई में मुझे इतने के ही मिल जाते हैं। आप
How much per kilo for walnut? 125,000. That's more than in Dubai. Huh? More than in Dubai. No. In Dubai, 70,000. 70,000? I come from Dubai. And I buy 70,000. Okay. This walnut. So you are more expensive than Dubai. Expensive? Expensive. Expensive, yes. Why? It's not from Uzbekistan? It's not from Uzbekistan? This now. Ah, Vietnam, okay. No. And what is this from Uzbekistan? Uzbek who? 65,000. So this is Uzbek. This is, and what do you call it? Raisin, this? This raisin, 1 kilo, 100,000. What is it? 90,000, 45,000. Okay. Okay, one. Oh, okay. Dostum. Okay. Thank you, Pesco. Huh? You want to change? Oh. 1 kilo, 45,000. 7,000. 9,000. 125,000. 100,000. This 145,000. Why expensive? Expensive. This can expensive, 125,000. This big. Can I try one? I didn't want test. Oh, 65,000. Very sweet. So? Very sweet. Okay. Oh, 7,000. Okay, almost. Okay? Raisin is very good. Oh, almost is big. Amazing raisin. Almost, California, America. Madam America. America. This is Uzbek. Uzbek taste. I want only Uzbek. No America, only Uzbek. Only that's Uzbek, what? Yes. Yes. Whoa. Only Uzbek, please. Uh-huh. Uh-huh. This offer. When I go America, I'll buy America. In Uzbekistan, only Uzbek. Right? Uzbek, Uzbek, America. Uzbek, yeah? No, I want Uzbek, everything Uzbek. Uzbek. When I go America, then I buy America. Yes. When I go to America, I'll buy American. But here in Samarkand, only Uzbek. Only Uzbek football team really good. Uzbek football team good. Yes. देखें ये यहाँ की जो traditional caps हैं, वो बेच रहे हैं. How much is this cap? Som dollar. 1,200,000. 1,000,000. 200,000. That's $100. $30. $30. Uh-huh. That's very expensive. Natural. Viva. $30. Okay, and this one he's saying. This one he's saying. This is $100. बहुत ही सॉफ्ट जो है ना इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट है इसका. ये जो है $100 की है और इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है. ये तो आगे देखते हैं चल के हमें मार्केट में क्या नज़र आ रहा है. ठीक है, ये देखें जी, ये इनकी ट्रेडिशनल चौरस जो कैप है, ये इनकी ट्रेडिशनल कैप है, चौरस वाली जो, और वो भी इनकी ट्रेडिशनल कैप है. और यहाँ पर देखें ये कलरफुल टाइप की भी पड़ी हुई है, और ये भी पड़ी हुई है जिसके पीछे बाल हैं, जिससे लड़कियां पहनती हैं. चलिए जी आगे चलते हैं. देखिए ये मक्खन लग रहा है मुझे, फ्रेश मक्खन. वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त है. फ्रेश मक्खन, मक्खन है या साबुन है, ये आई एम नॉट श्योर. आई गेस साबुन होगा. देखिए ये भी साबुन है. बीफ पड़ा हुआ है, चिकन, कीमा. Just
और देखिए मोस्टली दुकानों पर जो हैं वो औरतें यहाँ पे काम करती हैं, मर्द कम ही काम करते हैं। आलू प्याज छोटे वाला ऑरेंज भी मिल रहा है यहाँ पे काफ़ी फ्रेश, स्ट्रॉबेरीज भी मिल रही हैं, अनार है ऑफ कोर्स। जी ये सॉसेजेस की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉसेजेस खाए जाते हैं। ये देखिए ज़रा काफ़ी ज़्यादा सॉसेजेस बिक रहे हैं यहाँ पर, एंड चीज़ भी बेच रहे हैं। और इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर देखे, यहाँ पर फ्रूट अनार काफ़ी अनार बिक रहा है और काफ़ी रेड अनार है। अभी तक मैंने इसका जूस नहीं पिया तो मैं कह नहीं सकता कि मीठा है कि नहीं। केले, केला तो इक्वाडोर से आता है ज़्यादातर, तो यहाँ भी इंपोर्ट होके ही आया होगा। जी तो समरकंद को बाय करने का टाइम आ चुका है। इस वक्त मैं समरकंद के बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन है। मैं तो कहूँगा इनका जो एयरपोर्ट है वो फिर थोड़ा छोटा है, एयरपोर्ट से भी बेहतर है ये स्टेशन। अब थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बड़े अच्छे इन्होंने शंडलियाज लगाए हुए हैं पीछे, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, दुकानें भी हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह का इसका चेक इन एरिया भी है। तो चले चल के मैं आप मेरे साथ चले, मेरी ट्रेन का टाइम है, हम यहाँ से समरकंद से ट्रेन लेके ताशकंद जाएंगे। ये देखें ये है जी समरकंद का ट्रेन स्टेशन, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये है जी ट्रेन स्टेशन। चले जी Is this the correct one? Platform 2. I can go now? Yeah. Okay, thank you. चलिए जी प्लेटफॉर्म 2 पे जो है हमारी ट्रेन आ रही है। प्लेटफॉर्म 2। ये देखिए ये हमारी ट्रेन खड़ी है, जैसे आपने पहले देखा कि मुझे इसकी फास्ट ट्रेन की टिकट चाहिए थी जो नहीं मिली, तो पाकिस्तान जैसी ट्रेन है ये लगभग। प्लेटफॉर्म 2 पे जाने के लिए हमें नीचे से गुजरना होगा। Platform station 2. Platform number 2. प्लेटफॉर्म नंबर 2 में दिस वन व्हिच ट्रेन लेकिन ये ट्रेन जो है वो जा रही है, बिल्कुल पाकिस्तान वाली ट्रेन लग रही है। रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, मेरे साथ ऑफिसर हैं
और हमारी ट्रेन अभी नहीं है समकन ऑफिस से। हेलो अभी तक जो है वो ट्रेन की बोगी एक और आके लगनी है यहाँ पर, तो वो लगेगी तो फिर हम जाएंगे, हमारी बोगी अभी तक नहीं आई। जब मैं ट्रेन में आ चुका हूँ तो चले मैं आपको ट्रेन का अंदर से व्यू दिखाता हूँ ट्रेन किस तरह की है। तो ये देखें जी, ये बैग रखने की जगह है और इसमें टीवी भी लगा हुआ है और ये सीटें हैं और सीट नंबर 1 ये जो है ये मेरी सीट है। देखिए ऊपर जो है इन्होंने कपड़े रखने की जगह भी बनी हुई है और यहाँ पर तो दैट्स इलेक्ट्रिक रूम और ये जो है किचन है। वाओ किचन भी है अंदर, बाथरूम किधर है? बाथरूम शायद अगली तरफ होगा, अगले 4 घंटे जो है वो इस ट्रेन में गुजरेंगे। सी यू इन ताशो।